सभी को नमस्कार मित्रों, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सूचना का अधिकार और सूचना के अधिकार से संबंधित केंद्रीय स्तर पर संस्था जो है केंद्रीय सूचना आयोग, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं मित्रों, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है वो भारत में कैसे आया, सूचना का अधिकार क्या है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। सूचना के अधिकार का पहला अभिप्राय ये है कि जितने भी प्रकार के प्राधिकारी हैं, या हम एक ही शब्द में बात को ख़त्म करें तो जो भी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा में आती है, हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था और आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था कि राज्य किसे कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि ऐसी संस्था जिसकी स्थापना सरकार ने की है, या फिर ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना तो सरकार ने नहीं की परंतु वे सरकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी संस्थाएं क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी। तो राज्य के अंतर्गत आने वाली जितने भी संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्राधिकारी हैं, उससे संबंधित सूचना प्राप्त करना ही क्या है, अपना सूचना का अधिकार। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके ज़रिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सी सेट 2021 का कोर्स नज़र आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नज़र आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं, पूरे एक साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों, वीडियोज तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है यहां पर, ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है, 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं
उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए, खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। सूचना के अधिकार का संबंध, हालांकि अगर हम ये कहें कि संविधान में कहीं सूचना का अधिकार उल्लिखित है तो उल्लिखित नहीं है, शब्दशः संविधान के किसी भी आर्टिकल में किसी भी भाग में सूचना का अधिकार शब्द उल्लिखित नहीं है, परंतु कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका संबंध ऐसा लगता है कि सूचना के अधिकार से है। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? एक तो है अनुच्छेद 19 और दूसरा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का संबंध सूचना के अधिकार से है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद या फिर कौन सा अनुच्छेद जिसका संबंध सूचना के अधिकार से है, और वहाँ पे अगर 19, 21, ए और बी, सी ऐसे लिख दिया जाता है, अगर अकेला 19 आता है ऑप्शन में तो 19 होगा, अकेला 21 आता है तो 21 होगा, और अगर 19 और 21 दोनों आते हैं तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। अनुच्छेद 19(1) में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र कर रखा है, और अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखा गया है भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सूचना का अधिकार उल्लिखित है, या उल्लिखित तो खैर नहीं कह सकते, माफी चाहूंगा, संबंध है हम कह सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) में जो भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है उसका संबंध सूचना के अधिकार से है। और दूसरा आर्टिकल है 21, जिसमें कि लिखा गया है कि सभी नागरिकों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता होगी, जीने का अधिकार होगा। लेकिन क्या सूचना के बगैर हम जी नहीं सकते? क्या जी सकते हैं? तो जब जीने के अधिकार की बात हो रही है तो फिर सूचना का उसमें क्या औचित्य है, सूचना का उससे क्या संबंध है? मित्रों, जीने का अर्थ यहाँ पर है सम्मानपूर्वक जीना, और सम्मानपूर्वक जीने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कितना पैसा सरकार के पास आया है, कितना पैसा किस मद पे व्यय किया जा रहा है, क्या सरकार कर रही है, उसकी सूचना आम नागरिक को होनी चाहिए। तो जीने के अधिकार के अंतर्गत सूचना का अधिकार भी उल्लिखित हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में ये कह रखा है कि जीने के अधिकार के अंतर्गत सूचना का अधिकार उल्लिखित हो जाएगा, यानी कि सूचना का अधिकार जो है वो जीने के अधिकार से संबंधित है। हम कुछ एक वादों का जिक्र कर लेते हैं, कुछ एक ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए थे, हम उनका जिक्र कर लेते हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये उल्लेखित कर दिया है कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का संबंध सूचना के अधिकार से है। पहला जो वाद है वो है एसपी गुप्ता वर्सेज बार संघ, और ये वाद है मित्रों 1982 का। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद दूसरा है PUCL, देखिए PUCL एक NGO है, PUCL, कॉमन कॉल, ये कुछ ऐसे बड़े NGO हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। बड़े बड़े जो न्यायाधीश रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो, या यूँ कहें कि बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग इसमें जुड़ते हैं। तो PUCL एक NGO है, और PUCL वर्सेज बार संघ जो वाद था 2002, और तीसरा है ADR वर्सेज बार संघ 2003। इन तीनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सूचना का अधिकार जो संबंध है संविधान में उससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वाद है जिसका संबंध सूचना के अधिकार से है या सूचना के अधिकार से नहीं है? तो मोस्टली तीन ही ऐसे वाद हैं, ऐसे केस हैं जिनका संबंध सूचना के अधिकार से है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार जो है वो भारत में कैसे आया, लेकिन उससे पहले तो हल्का सा परिचय हम ये भी लेंगे कि वैश्विक स्तर पर सूचना का अधिकार का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है। मित्रों, हमने पढ़ा था लोकपाल ओम्बड्समैन,
और हमने पढ़ा था कि भारत में जो ऑम्बुड्समैन लोकपाल की स्थापना हो रही है, हालांकि एक्ट तो 2013 में बन गया था, लेकिन 2019 में जाकर 2020 में जाकर लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर हमने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो ऑम्बुड्समैन जो संस्था है वो 1809 में कहाँ पर स्थापित हुई थी, स्वीडन में। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सूचना का अधिकार में, भारत में बात करें तो सूचना का अधिकार हमें प्राप्त होता है 2005 से, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो सूचना का अधिकार का प्रारंभ होता है 1766, और ये भी मित्रों कहाँ से होता है, स्वीडन से। यानी कि 1766 में उन लोगों को सूचना का अधिकार था, और लगभग 200-250 साल बाद भारत के नागरिकों को अब जाकर सूचना का अधिकार मिला है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा स्वीडन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये देश जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे क्यों रहते हैं? टॉप पे रहने का कारण यही है कि जब हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल जैसी संस्था 2018-19 में बनती है, वहाँ पर 1809 में बन चुकी थी। और जब 2005 में हमें सूचना का अधिकार मिल रहा है, जब हमें पता ही नहीं है कि सूचना होती क्या है, सूचना का अधिकार होता क्या है, वहाँ के नागरिक इस अधिकार का उपभोग कर रहे थे। 1766 में वहाँ के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त था, तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम फॉरेन जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनसे लगभग कितना पीछे हैं, लगभग 250 साल पीछे हैं हम। उसके बाद हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य द्वारा लागू किया गया, कहां लागू किया गया, किस रूप में लागू किया गया। देखिए, भारत में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले सूचना के अधिकार को लागू किया, तो पहला राज्य है मित्रों गोवा। गोवा पहला राज्य है जिसने 1997 में कानून बनाकर वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनको सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाया, सूचना का अधिकार। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ये प्रॉपर क्षेत्र, प्रॉपर एक प्रदेश विशेष की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्रश्न शायद बनना संभव है कि निम्न में से कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाया, तो वहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, गोवा। या फिर ऐसे आदेश सबसे पहले किसने करवाया, तो भी गोवा। लेकिन मित्रों एक और बड़ी बारीक की बात है कि अगर हम बात करते हैं गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन तीनों ने ही 1997 में कानून बनाकर सूचना के अधिकार को लागू किया था। लेकिन फिर भी अगर ये तीनों ही ऑप्शन में हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो उसका उत्तर क्या होगा मित्रों, गोवा। हालांकि तमिलनाडु, हालांकि महाराष्ट्र ने भी इसी सन, या यूं कहें कि तीनों ने इकट्ठे ही कानून का निर्माण किया था, लेकिन फिर भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले सूचना के अधिकार को लागू करने वाला स्टेट कौन सा है, तो मित्रों वो है गोवा, और उसने लागू किया था 1997 में। देखिए, मैं ये तीन चार बातें हमने अभी पढ़ी है उसको थोड़ा सा क्रम में दोबारा रखता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सूचना का जो अधिकार है इसका संबंध संविधान से डायरेक्ट नहीं है, यानी कि संविधान में हूबहू कहीं सूचना का अधिकार उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का संबंध सूचना के अधिकार से है। फिर हमने तीन वाद पढ़े, SP गुप्ता वाद पढ़ा, हमने PUCL वाद पढ़ा, हमने ADR वाद पढ़ा, और हमने पढ़ा कि इन तीन चार वादों में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का संबंध सूचना के अधिकार से है। यानी कि सूचना का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार तो नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं संविधान के कुछ अनुच्छेदों से इस अधिकार का संबंध है। फिर हमने पढ़ा कि वैश्विक स्तर पर 1766 में सबसे पहले स्वीडन ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया। अगर भारतीय परिदृश्य की बात करें तो सबसे पहले गोवा ने अपने वहाँ के लोगों को सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया कानून बनाकर, इसके साथ ही तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी हैं। अब हम शुरू करते हैं आगे इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है। एक नाम का मैं यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक, हर बच्चा इस नाम से परिचित होगा मित्रों, और ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और ये नाम है अरुणा रॉय।
जो कि एक आईएएस ऑफिसर थी, वेस्ट बंगाल से थी, और इनको जो कैडर मिला था वो तमिलनाडु में इन्होंने काम किया था। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है मजदूर किसान सेवा संगठन, MKSS नाम से इन्होंने एक संगठन बनाया, या यूं कहें कि एक एनजीओ, एक ट्रस्ट बनाया। किस लिए? ताकि मजदूरों की जो ये दयनीय स्थिति है इसमें थोड़ा सुधार हो सके। MKSS नामक एक संगठन बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? अरुणा राय। लेकिन जब इस संगठन से जुड़ी, इस फील्ड में उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि मजदूरों की, किसानों की ये जो दयनीय स्थिति है, ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो एक करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से है। जितना पैसा सरकार के पास आ रहा है, सरकार उसको उस रूप में खर्च नहीं कर रही है जिस रूप में उसको किया जाना चाहिए। जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनके जो इंटरफेयर के कारण जो पैसा है वो सही जगह पहुंच ही नहीं रहा। तो उन्होंने सबसे पहले डिमांड की, भाई सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। सूचना के अधिकार की उन्होंने डिमांड की। शब्दों को समझते जाना, बाकी मैं दोबारा से पूरी जो कहानी है अरुणा रॉय के आईएएस से लेकर सूचना का अधिकार लेने तक जो उनकी लड़ाई है उसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे। तो मित्रों, जो अरुणा राय का जो एक संगठन था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसके माध्यम से अरुणा राय ने ये जाना कि सूचना का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है आम नागरिकों के कल्याण के लिए, और सूचना के अधिकार की उन्होंने डिमांड शुरू की। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सूचना के अधिकार की मांग थोड़ी सी अलग तरीके से रखी थी। सबसे पहले क्या हुआ कि अरुणा राय के नेतृत्व में ब्यावर, जो कि अजमेर में है, ब्यावर अजमेर राजस्थान, ब्यावर एक जगह है अजमेर जिले में और अजमेर जिला है राजस्थान में, तो ब्यावर अजमेर में अरुणा राय के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन हुआ। उस धरने प्रदर्शन का मेन जो फोकस था वो इस पे था कि ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं, कितना पैसा आता है, कितना जाता है, उस सब का ब्यौरा पब्लिक को दिया जाए, सब कुछ बताया जाए। उस समय जो राजस्थान के जो सीएम थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत ने एक पब्लिक ऑर्डर जारी किया कि भाई जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, एक वर्ष में कितना पैसा कहां से आता है, कितना कितना पैसा किस फील्ड में लगा है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके सूचना पट्ट के रूप में उसके मेन गेट पे चिपका दी जाए। ये बात ठीक है, देखने में भी काफी अच्छा लगता है, ताकि इससे जो है वो करप्शन थोड़ा कम हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, ये अच्छा प्रयास था। लेकिन जैसे ही भैरव सिंह शेखावत के द्वारा ये पब्लिक ऑर्डर जारी किया गया कि भाई सभी ग्राम पंचायतें अपना जितना भी पैसा आया है, जितना पैसा लगा है, उसका एक ब्यौरा तैयार करके और उसको सूचना पट पे चिपका दें, तब इसका विरोध शुरू हुआ। राजस्थान के जितने भी ग्राम सेवक थे वे लोग धरने पे बैठ गए कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी सूचना पट पे हम ये सब कुछ चिपका सकते हैं, इसका ब्यौरा दे सकते हैं। इससे सारी बात स्पष्ट हो गई, सारा मामला स्पष्ट हो गया कि भाई जो ग्राम सेवक लोग हैं वो सूचना पट पे सूचना चिपकाने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। और जैसे ही ये बात खुलकर सामने आई तो अरुणा राय ने सूचना के अधिकार की डिमांड पुरजोर तरीके से मांगने शुरू कर दी कि हमें सूचना का अधिकार चाहिए ही चाहिए। तो ये एक कह सकते हैं कहानी रही है सूचना का अधिकार। अभी हम सूचना का अधिकार मांग रहे हैं, अभी सूचना का अधिकार मिलेगा कैसे वो हम आगे देखेंगे। मैं इसको हल्का सा दोबारा से क्लियर करता हूं कि भूतपूर्व आईएएस अरुणा राय का जो कर्मस्थली रही है ना सूचना के अधिकार के संदर्भ में, वो राजस्थान रही है। राजस्थान में इन्होंने कार्य किया और एक मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम से एक संगठन बनाया, और इस संगठन में काम करते हुए उनको अनुभव हुआ
कि आम जनता का कल्याण तभी हो सकता है जब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है अगर उसमें भ्रष्टाचार कम हो जाए, और उसमें भ्रष्टाचार कम कैसे होगा अगर हम इस चीज़ की सूचना मिलती रहे। तो सूचना का अधिकार कि अगर हम जड़ें कहें तो जड़ें यहीं थी मजदूर किसान शक्ति संगठन में। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर ब्यौरा मांगा, बैरो सिंह शेखावत ने एक पब्लिक ऑर्डर जारी किया, पब्लिक ऑर्डर का विरोध हुआ ग्राम सेवकों द्वारा, उसके बाद से ही सूचना के अधिकार की डिमांड जो है वो पुरजोर तरीके से शुरू हो गई। एक और फैक्ट से मित्रों मैं आपको परिचित करवाना चाहता हूँ कि एक संगठन था जिसका नाम था परिवर्तन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परिवर्तन। ये परिवर्तन एक शब्द नहीं है, ये परिवर्तन क्या है मित्रों, एक संगठन है। और इसके मुख्य संचालक कौन है, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और इनके साथ जो थे इनके सहयोगी वो थे मनीष सिसोदिया जी। अब देखिए पूरा मामला देखते हैं। जिस समय अरुणा रॉय राजस्थान के ब्यावर में धरना प्रदर्शन कर रही थी, सूचना के अधिकार की डिमांड कर रही थी, सेम उसी वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक्टिव थे। अरविंद केजरीवाल भी उस समय एक संगठन तैयार किए बैठे थे, उनका नाम क्या था, परिवर्तन। और जो अरुणा राय ने संगठन तैयार किया था उसका नाम क्या था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि MKSS का संबंध किससे है, तो अरुणा राय से, और परिवर्तन का संबंध किससे है, अरविंद केजरीवाल से। जब अरविंद केजरीवाल परिवर्तन नामक संगठन के माध्यम से सूचना के अधिकार और भ्रष्टाचार के मामले में काफी एक्टिव थे, उस समय दिल्ली में जो सरकार थी वो थी शीला दीक्षित। ये काफी इंटरेस्टिंग मामला है। अरविंद केजरीवाल, आप हम क्या आम बोलचाल में क्या सुन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि भी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के जो रामलीला मैदान है वहाँ पे धरने प्रदर्शन किए, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी थे, वहाँ से वो फेमस हो गए और फेमस होकर वो दिल्ली के सीएम बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो परिवर्तन नामक संगठन के माध्यम से केजरीवाल एक्टिव थे, भ्रष्टाचार के मामलों को खींच खींच के बाहर निकाल रहे थे, तब से ही वो विख्यात हो गए थे, और उनकी वही मेहनत है कि आज वे दिल्ली के सीएम हैं। यानी कि दिल्ली के सीएम बनने के पीछे मैं ये नहीं कहता कि अन्ना हजारे का कुछ रोल है या नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन जब परिवर्तन नामक संगठन के माध्यम से वो इस क्षेत्र में इस फील्ड में एक्टिव थे ना, तो उस मेहनत की वजह से वो फेमस हुए थे और आज शायद उसी वजह से वे दिल्ली के सीएम हैं। तो दो बराबर संगठन चल रहे थे, एक तरफ MKSS और दूसरी तरफ परिवर्तन। परिवर्तन के संचालक थे अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी थे मनीष सिसोदिया जी, और इधर अरुणा राय थी। और आपको थोड़ा सा इस चीज का भी आइडिया होगा कि इन दोनों ही संगठनों को, या यूं कहें कि दोनों ही व्यक्तियों को, अरविंद केजरीवाल को और अरुणा रॉय को, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार जिसको हम कहते हैं रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दोनों को ही। अरविंद केजरीवाल को भी रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है और अरुणा राय को, दोनों को कौन सा, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए बात हम सिर्फ सूचना आयोग नहीं पढ़ रहे हैं, सूचना आयोग से संबंधित जितने भी मुद्दे हो सकते हैं हमें सबके बारे में जानना है। हम कोई पटवारी या कांस्टेबल का एग्जाम तो दे नहीं रहे, भारत का सबसे बड़ा जो एग्जाम है UPSC का, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम हर एक बिंदु को, हर एक पहलू को टच करने की कोशिश करेंगे जिसका संबंध एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी आइडिया रखना है। परिवर्तन नामक जो संगठन था उसके जो संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल, मजदूर किसान शक्ति संगठन जिसके जो संचालक संस्थापक थे अरुणा राय, और इन दोनों को ही, इन दोनों संगठनों के कारण रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें तो वर्ष 2003 में, और 2003 में आपको आइडिया है सरकार किसकी थी, वाजपेयी सरकार थी सत्ता में, और वाजपेयी सरकार द्वारा एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003। अब देखिए ये सूचना की स्वतंत्रता थी, अधिकार नहीं था, यानी सूचना प्राप्त करने की हमें स्वतंत्रता है लेकिन अधिकार नहीं है। अधिकार वो होता है जिसको हम किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं
और स्वतंत्रता का मतलब है कि भाई कोई हमें सूचना दे या नहीं दे, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही कमजोर और घिसा पिटा एक्ट था, जो अभी सिर्फ नाम मात्र का एक अधिनियम तो बन गया, लेकिन इसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद मित्रों आपको आइडिया है कि 2004 में वाजपेयी सरकार के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आती है, और इस सरकार द्वारा एक प्रस्ताव संसद में रखा गया और 2005 में वो प्रस्ताव संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद एक अधिनियम बनता है जिसको बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, और यह है 2005। ये मित्रों सूचना का अधिकार का अधिनियम है, यानी अब हमें अधिकार प्राप्त है कि हम सूचना प्राप्त कर सकें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनकर तैयार हो गया। अब प्रश्न आता है कि ये लागू कब हुआ, और सभी जो बुद्धिजीवी हैं आप सब लोग इसका उत्तर यही देंगे कि 12 अक्टूबर को ये लागू हो गया। लेकिन मित्रों इसके संदर्भ में दो डेट हैं जिनके बारे में अपने को काफ़ी अच्छे से क्लियर करना है। जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें कि भाई कब लागू हुआ, तो दो डेट का जिक्र वहाँ पे आता है, 26 नवंबर 1949 का भी जिक्र आता है और 26 जनवरी 1950 का भी जिक्र आता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसके संदर्भ में भी दो डेट हैं, पहली है 15 जून 2005 और दूसरी है 12 अक्टूबर 2005। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये दो तारीखों वाला क्या मामला है, भी लागू करना था तो या तो 15 जून को लागू कर दो या फिर 12 अक्टूबर को लागू कर दो, ये दो तारीखों का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था मित्रों, देखिए क्या मतलब था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अगर मान लेते हैं कि हम 12 अक्टूबर को लागू करते हैं, मान ली इसको हम बाहर निकाल देते हैं कि ये डेट है ही नहीं, अच्छा 12 अक्टूबर को लागू करते हैं और मानो कि सुबह 11-12 बजे हमने इसको लागू कर दिया, और जैसे ही 12 अक्टूबर को 12 बजे यह अधिनियम लागू हो जाता है तो ये मान के चलो कि 12 अक्टूबर से लेकर हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो किसी भी राजनीतिक संस्था से सूचना प्राप्त कर सकता है। अच्छा 12 बजे तो ये अधिनियम लागू हुआ और 12:05 पे लोग सरकारी ऑफिस में पहुंच गए सूचना लेने के लिए। अभी अधिनियम लागू हुआ है और 5 मिनट बाद हम सूचना लेने पहुंच गए, तो बताइए भी सरकारी संस्थाएं सूचनाएं कहां से उपलब्ध करवाएगी, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से इकट्ठे करेगी, संभव नहीं है। तो बड़ा सोच समझकर दो डेट रखी गई, सबसे पहले 15 जून 2005 को इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया और जितने भी संस्थाएं थी, जो सरकारी संस्थाएं थी या फिर जो ऐसी प्राइवेट संस्थाएं थी जिनका संबंध सरकार से है, उनको ये सूचित कर दिया गया कि भाई 12 अक्टूबर को यह अधिनियम लागू होगा, आपके पास लगभग 120 दिन हैं, इस 120 दिन में आप वो सारी सूचनाएं इकट्ठी करके रख लीजिए जो सूचनाएं जनता आपसे प्राप्त कर सकती है, जो सूचनाएं जनता आपसे मांग सकती है, ताकि मौके पे आपको हड़बड़ाहट ना हो, आप पहले से तैयार रहें, जनता आके सूचना मांगे आप झट से उनको सूचना दे दें। तो ये एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया था लगभग 120 दिन का, ताकि इस टाइम पीरियड में जो संस्थाएं हैं वो अपने आप को एक्टिव कर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें, ताकि जैसे ही जनता सूचना लेने के लिए पहुंचेगी, कोई नागरिक पहुंचेगा, तो उनको इंतज़ार नहीं करना पड़े, झट से उनको सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जाए। और क्योंकि इस अधिनियम में एक बात का और उल्लेख था कि अगर मान लीजिए किसी नागरिक ने किसी संस्था से सूचना की डिमांड की है कि भाई मुझे इस संदर्भ में सूचना चाहिए, तो सूचना 30 दिन के भीतर देनी ही होगी, और अगर 30 दिन के भीतर वो संस्था सूचना उपलब्ध नहीं करवाती है तो उसके खिलाफ अपीलीय अधिकारी के पास, अपीलेट ऑफिसर के पास अपील की जा सकती है। तो 30 दिन के भीतर सूचना देनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले उन संस्थाओं को इतना टाइम दें कि वे सूचनाएं इकट्ठी कर सकें, तब जाकर हमने इन दो डेट्स का उल्लेख किया। 15 जून 2005 को हमने इस अधिनियम को लागू किया जरूर था, परंतु वो आंशिक रूप से लागू किया गया था। और उसके बाद अगर फाइनल बात करें तो फाइनली यह जो अधिनियम था वो 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हो गया था।
तो बात क्लियर हो गई होगी मित्रों कि ये दो डेट का उल्लेख हमने क्यों किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सूचना प्राप्त करने की अवधि कितनी है। यहाँ पे तीन चार बातें आएगी। देखिए पहली दफा अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई नागरिक है और उस नागरिक को मान लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी जो है अपने ये कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में से कहीं से भी कोई सूचना प्राप्त करनी है तो उसको सूचना मिलेगी 30 दिन के भीतर भीतर, यानी कि सूचना के लिए आवेदन और सूचना की प्राप्ति, ये आवेदन है इस दिन आवेदन किया और इस दिन सूचना की प्राप्ति है, इसके बीच में 30 दिन से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। 30 दिन के भीतर भीतर सूचनाएं प्राप्त करवानी ही होगी। अगर नहीं करवाई जाएगी तो क्या होगा, हम वो भी देखते हैं कि अगर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी तो क्या करना होगा। पहली तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लेते हैं, पहले आपको चीज बता दूं कि सूचना लेने वाला, सूचना प्राप्तकर्ता जो होता है, जिसने जाकर सूचना की डिमांड की है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। क्लियर। जिससे सूचना मांगी गई है, सूचना मांगी जिससे गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पार्टी। और जिसके बारे में सूचना मांगी गई है, जिसके बारे में सूचना मांगी गई है, उसको मित्र बोलते हैं थर्ड पार्टी। बात क्लियर है। फर्स्ट पार्टी सूचना मांगती है, सेकंड पार्टी सूचना देती है, और थर्ड पार्टी वो व्यक्ति होता है, वो संस्था होती है जिसके बारे में सूचना मांगी गई है। अब मान लेते हैं कि हम किसी कॉलेज में गए, किसी यूनिवर्सिटी में गए, हम कॉलेज में गए कि भाई हमें ये देखना है कि वर्ष 2019 और 2020 में कितने आवेदन आपके पास एमए पॉलिटिकल के लिए आए, यानी पॉलिटिकल में एमए करने के लिए कितने फॉर्म अप्लाई हुए, एससी के कितने थे, एसटी के कितने थे, ओबीसी के कितने थे, और कितनी फीस जमा हुई, ये हम सूचना लेने वाले हैं। तो ये तो सेकंड पार्टी हुई ना, यानी कि वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी क्या है, वो सेकंड पार्टी है और उसी यूनिवर्सिटी से संबंधित हम सूचना ले रहे हैं, तो सूचना हमें मिलेगी 30 दिन के भीतर। लेकिन अगर इस यूनिवर्सिटी से हम किसी और की सूचना लेना चाह रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की, कि आपका एक कोई मान लीजिए किसी टीचर विशेष की या फिर अन्य कोई सूचना लेने जा रहे हैं, तो वो हो जाएगी थर्ड पार्टी। और अगर थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना लेनी है, सूचना लेने वाला मान लीजिए मैं हूँ, सूचना लेनी किससे है, कॉलेज से, सूचना किसके बारे में लेनी है, किसी टीचर के बारे में, तो थर्ड पार्टी होगी। तो थर्ड पार्टी की जब सूचना मांगी जाएगी तब सेकंड पार्टी को थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन करने के लिए अधिकतम 10 दिन और दिए जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर थर्ड पार्टी से सूचना मांगी गई है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 30 + 10 बराबर हो जाएंगे 40 डे। आप समझ रहे हैं मित्रों कि अगर थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना है तो सेकंड पार्टी को सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और उस कम्युनिकेशन के लिए 10 दिन इनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी के लिए 40 दिन की सीमा होती है। लेकिन तीसरी बात यह है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन से है कि भाई अगर दो चार दिन सूचना नहीं मिली तो इस व्यक्ति की मौत हो सकती है, यानी कि मरना तय हो गया है अगर सूचना नहीं मिलती है, तो यानी कि जीवन की बात आ गई है, जीवन के संकट की बात आ गई है, अगर ऐसी कोई सूचना है तो मित्रों उसके लिए जो अधिकतम टाइम पीरियड है वो है 48 घंटे, यानी कि 2 दिन के भीतर भीतर सूचना देनी ही होगी। लेकिन यहाँ पे 2 दिन का जिक्र न होकर क्या है, 48 घंटे। तो 3 टाइम पीरियड है, सेकेंड पार्टी सूचना लेनी है तो 30 दिन, थर्ड पार्टी से सूचना लेनी है तो 30 + 10 = 40 दिन, और अगर जीवन के संकट की बात है तो मित्रों 48 घंटे के अंदर सूचना देनी ही होगी। अब हम बात करते हैं सूचना देगा कौन, भाई सूचना मांगने वाले तो हम लोग हैं, जनता है, नागरिक हैं, हम जाएंगे सूचनाएं मांगेंगे, लेकिन सूचना देगा कौन, इन्फॉर्मेशन देगा कौन, तो इन्फॉर्मेशन देने वाला जो व्यक्ति होता है मित्रों उसको बोलते हैं PIO। PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, यानी कि हर जो विभाग है, हर जो संस्था है
वहाँ पर सूचना देने के लिए अलग से एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जिसको बोलेंगे PIO। और जब भी हम कभी कोई आवेदन करेंगे तो हम PIO के नाम से करेंगे। मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित हमें कुछ सूचना लेनी है, तो हम जो आवेदन करेंगे वो लिखेंगे PIO दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी हमारा जो संबोधन होगा वो किसको होगा? PIO दिल्ली यूनिवर्सिटी। या कि अन्य कोई संस्था है, मान लीजिए कोई कलेक्ट्रेट ऑफिस है, तो PIO कलेक्ट्रेट ऑफिस। तो यानी कि PIO शब्द का हमें उल्लेख करना होगा, तो हम PIO से सूचना मांगेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सूचना की, हम डिमांड करेंगे, हम कहेंगे कि हमें इस क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देने की आवश्यकता है? बिल्कुल इसमें उल्लेख है। अगर मान लीजिए BPL कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। BPL का मतलब है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए आवेदन शुल्क नहीं है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, यानी कि जो BPL नहीं है, तो उसके लिए ₹10 प्रति आवेदन देय होगा। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन अगर अपने को लेनी है, हम एक आवेदन कर रहे हैं, एक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो एक फॉर्म के लिए हमें ₹10 देने होंगे। ये ₹10 चाहे आप कैश दीजिए, चाहे DD दीजिए, चाहे चेक दीजिए, चाहे कैसे भी करके दीजिए, लेकिन ₹10 देने पड़ेंगे। उसके अलावा ₹2 प्रति पेज के हिसाब से अलग भी हिसाब होता है, लेकिन मुख्यतः ₹10 आवेदन शुल्क होता है। सूचना हम प्राप्त करेंगे PIO से, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। और ये सूचना हम प्राप्त करेंगे, और मान लेते हैं कि PIO ने हमें सूचना देने से इनकार कर दिया, या फिर निर्धारित अवधि में हमें सूचना नहीं दी, तो हम क्या करेंगे? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, या फिर हम निराश होकर वापस लौट जाएंगे? नहीं, हमें न तो हाथ पे हाथ रखना है, न निराश होना है, क्योंकि इस एक्ट में हमारे हर समस्या का समाधान किया गया है। अगर PIO हमारी बात की सुनवाई नहीं कर रहा, तो हम जाएंगे अपीलीय अधिकारी के पास, अपीलीय अधिकारी, जो कि PIO से हाई रैंक का कोई ना कोई अधिकारी होगा, और उसको अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका होगा। तो हम अपीलीय अधिकारी के पास शिकायत करेंगे कि भाई हमने PIO से इस संदर्भ में सूचना मांगी थी, लेकिन उन्होंने सूचना देने से मना कर दिया। या हम कहेंगे कि भाई 30 दिन हो गए हमें सूचना नहीं मिल रही, तो PIO के खिलाफ अपीलीय अधिकारी एक्शन लेगा और हमें सूचना उपलब्ध करवाने का वो प्रयास करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अपीलीय अधिकारी ने भी हमारी बात की सुनवाई नहीं की, तो मित्र हम क्या करेंगे? इसका भी समाधान इस एक्ट में है। अगर अपीलीय अधिकारी ने हमारी बात की सुनवाई नहीं की, तो हमारे पास दो संस्थाएं हैं। एक है मित्रों राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और दूसरा है मित्रों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन इसमें हम पहले कहाँ पे जाएंगे? क्या पहले हम राज्य सूचना आयोग के पास जाएंगे, या फिर पहले हम केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाएंगे? या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले हम राज्य सूचना आयोग के पास जाएंगे, और राज्य सूचना आयोग ने भी अगर हमारी बात नहीं की सुनी, तो हम केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाएंगे? क्या होगा इसमें? ये दो ऑप्शन हमारे सामने खुल गए हैं, हम ए की तरफ जाएंगे या फिर बी की तरफ जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है मित्रों, अगर अपीलीय अधिकारी भी हमारी बात की सुनवाई नहीं कर रहा, तो हम राज्य सूचना आयोग भी जा सकते हैं, हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी जा सकते हैं। अगर हमारे द्वारा मांगी गई सूचना का जो मुद्दा है, जो बिंदु है, जो विषय है, अगर उसका संबंध राज्य सूची से है, तो हम जाएंगे राज्य सूचना आयोग के पास। और अगर उस मुद्दे का संबंध संघ सूची के विषय से है, तो हम जाएंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। और अगर मान लेते हैं कि वो समवर्ती सूची का विषय है, तो चाहे तो आप राज्य आयोग जाइए, चाहे आप केंद्रीय सूचना आयोग जाइए, वो आपकी मर्जी है।
लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवा देता हूं कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधी सी बात है, सभी को पता है। लेकिन मित्रों, अगर राज्य सूचना आयोग ने हमें संतुष्ट नहीं किया तो इसके खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग में नहीं जाया जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि राज्य सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि PIO से हमने सूचना मांगी, उसने सूचना देने से इनकार कर दिया या जो फिक्स टाइम था उसमें सूचना नहीं दी है, तो हम जाएंगे अपीलीय अधिकारी के पास, अपीलेट ऑफिसर के पास। और अगर अपीलेट ऑफिसर ने भी हमारी बात को नहीं सुनी है तब हम जा सकते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। और अब हम देखेंगे मित्रों कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC क्या है, अब हम इसकी संरचना की बात करेंगे। उम्मीद है कि मुझे कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर मित्रों आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है। और सकारात्मक ऊर्जा का मतलब कि आप वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय सूचना आयोग को शुरू करते हैं मित्रों। और आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी संरचना, पहली बात तो इसके गठन की बात करें तो आपको पता ही है कब गठित हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को गठित हुआ। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष हो सकता है और 10 तक इसमें क्या हो सकते हैं, अन्य सदस्य हो सकते हैं। एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी उसके बारे में तो हालांकि कुछ निर्धारण कर नहीं रखा है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा इसके बारे में स्पष्ट उल्लिखित है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे तो किसकी सिफारिश पर करेंगे, तो सिफारिश के लिए हमने एक कॉलेजियम यानी कि एक समिति बना रखी है। और उस समिति में मित्रों 3 सदस्य होते हैं, एक तो होते हैं PM, एक होते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक होता है अन्य कैबिनेट मंत्री जिसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। यानी पहले प्रधानमंत्री एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करेंगे इस कॉलेजियम में और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता ही है। ये 3 लोग मिलकर राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देंगे, अनुशंसाएं करेंगे कि किस किस व्यक्ति को केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष बनाना है और किसको सदस्य बनाना है। नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के बाद अगर हम बात करें मित्रों इनके कार्यकाल की, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष प्लस केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और अगर हम बात करें मित्रों इनके स्टेटस की, इनके दर्जे की, जो CIC का अध्यक्ष होता है, CIC का मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसका जो दर्जा होता है वो होता है CJA के बराबर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इसका दर्जा होता है, स्टेटस होता है। जितने भी वेतन भत्ते सुविधाएं मुख्य न्यायाधीश को मिलती है उतने ही वेतन भत्ते सुविधाएं सूचना आयुक्त को यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त को मिलेगी। लेकिन CIC के जो अन्य सदस्य हैं उनका दर्जा अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है, यानी कि अन्य न्यायाधीशों को जितने भी वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं वो ही इन सदस्यों को मिलेगी। और एक बार इनकी अगर नियुक्ति हो जाती है अध्यक्ष की सदस्यों की, तो इनके कार्यकाल पूरा होने तक इनके वेतन भत्ते सुविधाएं इनका स्टेटस जो भी है उनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन, हानिकारक परिवर्तन, या यूं कहें कि इनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। एक बार नियुक्ति हो गई है तो उसके बाद किसी प्रकार की अलाभकारी परिवर्तन इनकी सुविधाओं में नहीं होगा। और अगर ये पद से सेवानिवृत्त होते हैं तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। और मित्रों अगर इनके सदस्यों को, इनके अध्यक्ष के अध्यक्ष को हटाने की बात करें तो मैंने आपको तो आप 4-5 आधार बता रखे हैं कि अगर इनमें शारीरिक अक्षमता आ गई है,
मानसिक अक्षमता आ गई है, या फिर ये लोग दिवालिया हो गए हैं, या ये पागल हो गए हैं, या फिर जो इनका आचरण है अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इनका पद समाप्त कर सकता है। या फिर अगर इन पर अक्षमता व सिद्ध कदाचार का आरोप लगा है, सिर्फ अभी आरोप लगा है, तो राष्ट्रपति इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से करवाएगी जांच के आधार पर इनके सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उनको रिमूव किया जा सकता है। तो मित्रों, ये था अपना केंद्रीय सूचना आयोग। काम के बारे में अगर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सूचनाओं से संबंधित जितने भी प्रकार की शिकायतें होती है उनको सुनना, उनका निवारण करना। और एक बात और बता दूं कि केंद्रीय सूचना आयोग को भी सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त होता है, यानी जब ये जो आयोग है वो प्रक्रिया में होता है, जब काम कर रहा होता है, तो सारे दीवानी अधिकार इसको प्राप्त होते हैं, जैसे सम्मन भेजना, शपथ पत्र पर गवाही लेना, सबूतों को इकट्ठा करना, ये सब कुछ कर सकता है। तो चाहे तो वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, काम दोनों के एक जैसे हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो दायरा है वो पूरा देश होगा, और जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसका जो दायरा होगा वो एक क्षेत्र विशेष है या एक राज्य विशेष होगा। तो इसके साथ ही मित्रों, अपना सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का जो कॉन्सेप्ट है पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मित्रों जो मैंने बताया है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।